जैसे तुम लेके चल रहे हैं गुरु नानक इंटरलॉक टाइल फैक्ट्री जो कि पिन कोहार कला शाकुड़ विखे स्थित है। गुरु नानक इंटरलॉक टाइल फैक्ट्री अपने इलाके में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक एक ब्रांड बन चुकी है। इतने वधिया क्वालिटी अते हर तरह के डिजाइन दिया इंटरलॉक टाइलां बहुत ही वधिया क्वालिटी दिया अते बहुत ही वाजिब दामां ते मौजूद ने। इतने रेता सीमेंट अते बजरी भी मिलती है। दूरों दूरों लोग गुरु नानक इंटरलॉक टाइल फैक्ट्री पहुँचते हैं इतों टाइलां रेता सीमेंट बजरी खरीदते हैं। साई टीम ने इतों के ओनर नाल गलबात की जिन्होंने सानू गुरु नानक इंटरलॉक टाइल फैक्ट्री बारे विस्तार नाल जानकारी दी। दशो पंजाबला चैनल से तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां गुरु नानक इंटरलैक टाइल्स जिहड़ा कि कोहाड़ विखे कोहाड़ कलां जिहड़ा शाहकोट के नाल विखे स्थित है फैक्ट्री। और गल करें वीर जी नाल, वीर जी की कहना चाहोगे कि इंटरलैक टाइलों की जिहड़ी फैक्ट्री तुसीं इत्थे खोली आ तुसीं और वीर जी ने रल के और ये सेवा जिहड़ी आ वधिया दिनों दिन वध रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि जिदा अजकल पंजाब की ज़्यादा यूथ बाहर ही जा रही जिदा है ना, इत्थे कोई काम नहीं करना चाहता तो असीं इत्थे काम कर रहे हैं। चलो सानूं वधिया रिस्पोंस मिल रहा साडे लोकां दा इलाके दे लोकां दा। हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि अपना पहला मेन इतने होंगे कि क्वालिटी फोकस अपना क्वालिटी से करते हैं तो करके जो बंदा इतों एक बार माल लैके आता दोबारा इतने आता ही आता है। और आप बजरी की गल कर लिए तो बजरी भी तुम्हें टॉप की सीमेंट की गल कर लिए तो वह भी टॉप का मतलब हर चीज़ जी इनग्रीडियंट्स है तुम टॉप तो टॉप दे पाते हो। हाँ जी जी बिल्कुल, क्योंकि जिदा हूँ कई लोग है जिदा बजरी तो हर कोई पाँदा ही आ एक दूसरी डस्ट सैंड भी आती कोई नहीं वरतते कई वैसे चिट्टी रेता दरिया वाली वरत लेंगे बट आप वधिया मटीरियल वरती था क्योंकि कस्टमर को वधिया क्वालिटी देनी होंगी मेन अपना फोकस इतना ही होंगे। फिर जी की चीज़ अवेलेबल है तो अपने कुछ सारी इंटरलॉक टाइलों ने अच्छा एक छत से लगाने वाली भी है ने। मतलब हर तरह का मटीरियल पाया सामने तुम दिखा सकते हो कैमरा मैन क्योंकि असं चाहवे कि तुम आप जाके सारा दिखाओ। हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी ना ये डंबल ने 40 mm के होंगे ने तो वैसे तो फर्श से लगाने वास्ते तो आ भी सारिया उही ने अलग अलग डिजाइन ने आ सारे आ कलर वाले डिजाइन आ गए ने आ जिदा ये 80 mm की आ जाती है आ 60 mm आ गई अलग अलग डिजाइन ने सारे जिदा पे अपने को सारे अवेलेबल ने जिदा आ ने सब जिदा छत से लगाने वास्ते ये सारे पीस अपने को अवेलेबल ने जिदा आ सारिया छत वाली पे ने अपने को सारे अवेलेबल ने अलग अलग डिजाइन पे ने आ भी जिदा छत वाली है तो आ जिदा ये चनाई वाली है जिदा एक दूसरी भट्ठे की हिट होंगी ये उस तरह भट्ठे दूसरी ये भी चनाई के काम आ आह वाली हिट ये सीमेंट की यदा एकदम बेनीफिट ये है कि जिदा मतलब हम कलर वगैरह की दिक्कत आ जाती है आप कोई भी महंगे तो महंगा पेंट करते हैं उत्थे मतलब वो पेंट रहा नहीं उत्थे बट आप जिते यूज करेंगे उत्थे इदां दी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी आप लाइफ टाइम मतलब कोई कलर नहीं होगा कोई कुछ नहीं होगा इदां दा सलाबा नहीं होगा जिदां सीमेंट भी घट लगूगा इना दे। हाँ जी सीमेंट भी बिल्कुल घट लगेगा क्योंकि बिल्कुल साइज आ जिदा जी 2 इंच लंबी होंदे जिहड़ी भट्ठे वाली होंदी उहदा कोई साइज नहीं होंदा वध घट बट ये बिल्कुल साइज आ जिदा ये प्लास्टर तुसीं ना भी करवाओ तां वी ये वधिया लगूगी जिदा बाकी जिदा आपने कोई डिजाइन पाए ने 60 mm डंबल है आ देखो एक तो बिल्कुल बिल्कुल पूरा साफ है जिदा इस कोई मिट्टी वगैरह नहीं होगी साफ करना भी सौखा होगा तो ना ही इस कोई पैर तिलकन का इस तरह का सेप होने का भी कोई चांस नहीं है। चार डिजाइन है मतलब कहने का मतलब यह कि अपने को हर तरह का माल रेडी होंगे तुम जब भी माल अवेलेबल होगा कुछ इस तरह का कुछ नहीं होगा फिर अगे भी मैं तुम्हें दिखा थोड़ा एक अपनी कोहार डिजाइन पाया वाला डिजाइन है ये पे भी पूरा माल रेडी है जब भी कोई जाए तो आ सकता है आज जिदा जी माल बिल्कुल ताज़ा कढ़िया तो हजे मतलब पानी च रखा फिर बिल्कुल पकाई हो जाएगी फिर उस बाद वर्तन वाली होगी तो फिर मतलब ये भी स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा आ जिदा जी वजी वधिया क्वालिटी का मटीरियल तुम बजरी दे सकते हो बिल्कुल वधिया ये अपना यूज़ करते हैं मटीरियल हाँ जी इदा जी ज़्यादातर अच्छक वो दूसरी रेता यूज़ करते दरिया वाली बट आप सैंड आह वाली यूज़ करते हैं ये पकाई बहुत आती जिदा सेहत की।